फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम, आपके चैनल योर लाइफ माय लाइफ। आज मैं कुछ किचन का टिप्स एंड ट्रिक लाई हूं, तो चलिए देखते हैं किचन टिप्स एंड ट्रिक। तो पहला टिप से वन, चलिए पहला टिप्स के ऊपर। चलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी में चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 पिंच खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसको अच्छा से मिला लीजिए। और पानी में जो भी सब्जी आप खाना बनाना जाने वो सब्जी डाल के कम से कम 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। फ्रेश वाटर लेके अच्छा से वॉश कर लीजिए। क्या होगा, आपका जो भी कीटनाशक जो सब्जी के ऊपर लगा हुआ है वो अच्छा से रिमूव हो जाएगा और आपका खाना हेल्दी बनेगा। अब ये दूसरा टिप्स की बारी, चलिए। फ्रूट्स पूरा नहीं लगता है तो हम लोग कैसे इसको स्टोर करेंगे फ्रिज में, ले रहे हैं तो इसको हम लोग पहले ऊपर से काट देते हैं, हम लोग यहाँ से भी काट देते हैं। साइड में यहाँ पर सिरका या विनेगर लगा सकते हैं, लगाने के बाद इसमें क्या कालापन भी नहीं आएगा और फ्रूट्स ज़्यादा ताज़ा भी रहेगा। और इसको हम लोग इस तरह से टूथपिक के द्वारा लॉक भी कर देंगे। जैसे एप्पल को भी आप लोग काटते हैं तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, या सिरका लगा दीजिए, इससे जाता वो काला नहीं होगा और आपका फ्रूट्स ताजा दिखेगा। और खाना एप्पल रहता है उसमें आप लोग लेमन या सिरका यूज कीजिए। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। चलिए इनको क्लीन रखने के लिए हम लोग फ्लोर पे पहले पेपर बिछा देंगे, या आप लोग हम लोग इस तरह से डस्टबिन लेंगे और डस्टबिन के में हम लोग जो प्लास्टिक जो घर पे एक्स्ट्रा रहता है लोग इस तरह से लगा देंगे। लेकिन कोई इस तरह से क्लिप लेंगे और दोनों साइड में इस तरह से लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका प्लास्टिक नीचे की तरफ गिरेगा नहीं और आपका प्लास्टिक है जो इधर उधर फैला हुआ रहता है उसको आप लोग रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग इस तरह से न्यूज़पेपर लेंगे और इसमें डाल देंगे, जिस कारण कभी भी कोई लिक्विड आइटम इसमें डालते हैं तो प्लास्टिक से वो लीकेज नहीं होगा और आपका डस्टबिन क्लीन रहेगा। और अंदर में एक पेपर दीजिएगा तो डस्टबिन क्लीन रहेगा। और जब भी ये प्लास्टिक रिमूव कीजिएगा नीचे से ये पेपर भी रिमूव कर दीजिएगा। टिप्स के ऊपर प्याज और आलू को जल्दी फ्राई करने के लिए हम लोग क्या करें, टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, जिस कारण आलू और प्याज दोनों में जो बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तेल में फ्राई कर रहे हैं उसमें खाने में एक रिच लुक आता है और खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अब है 5वीं टिप्स की बारी। हम लोग देखते हैं इसमें चींटी लग जाता है तो चींटी से बचने के लिए हम लोग चीनी में क्या करेंगे, इस तरह लौंग लेंगे, इस तरह से 2 लौंग लेंगे और चीनी में डाल देंगे। इससे क्या होता है, ये एक जादू के तरह काम करता है। हमेशा इस तरह से चीनी में लौंग यूज करते हैं और आप लोग भी हमेशा चीनी स्टोर करने के लिए लौंग लगा के चीनी को एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। अब है 6 टिप्स की बारी। अक्सर हम लोग के आंखों से आंसू निकलता है तो आंसू ना निकले इसलिए हम लोग प्याज का आगे और पीछे वाला हिस्सा दोनों काट के इस तरह से पानी में डिप करके रख देंगे करीब 5 to 10 मिनट। उसके बाद अगर हम लोग प्याज काटते हैं तो प्याज से आंसू नहीं निकलेगा और प्याज अच्छा से कट जाता है। और दूसरा टिप है आंसू नहीं निकालने के लिए, अगर आप लोग पंखे के नीचे अगर प्याज को काटते हैं तो भी आँख से आंसू नहीं निकलता है। 7 नंबर टिप्स की बात, हम लोग अंडा अक्सर बॉईल करते वक्त देखते हैं जब अंडा टूट गया है तो अंडा टूट जाने के बाद हम लोग बॉईल नहीं कर पाते, तो अंडा टूटने के बाद भी हम लोग कैसे अंडा को बॉईल करें, इस तरह से अंडा को पानी में डालेंगे और 1 चम्मच 1 टेबलस्पून विनीगर दे देंगे। इससे क्या होगा, अंडा का जो भी हिस्सा है वो बाहर नहीं आएगा, अंडा अच्छा से बॉईल हो जाएगा और अंडा का स्किन अच्छा से उतर भी जाएगा। तो आप लोग कभी भी अंडा बॉईल करते हैं तो इस तरह से विनीगर यूज़ कीजिए और अंडा को आराम से बॉईल कर देने के लिए। धन्यवाद, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए, टोटली फ्री है। और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। नमस्ते एंड बाय।